बिल्कुल भी नहीं कभी सोचा था। लोग पूछते कि प्री ब्राइडल शूट है, सबके मन में यही होगा, बट प्री ब्राइडल ऐसे थोड़ी करेंगे और तामझाम से करेंगे और हमको सताया जाएगा। एक्चुअली मेरे और हर्ष के ना अच्छे फोटो बिल्कुल भी नहीं थे, तो हमको लगता था जैसे मैगजीन वाले मांगते थे, आप लोग मीडिया वाले मांगते थे कि अभी शादी होने जा रही है, आपको आप प्लीज़ अपना और हर्ष का एक फ़ोटो भेजिए। तो हम देखते टेढ़े मेढ़े मुँह वाले नचपलिए में डांस करते हुए थे, तो हमने कहा कि एक प्रॉपर फ़ोटोशूट किया जाए। और हम बहुत दोनों लकी है कि लव इसरानी हमारा फ़ोटोशूट कर रहे हैं भाई, इनके पास टाइम नहीं था। फिर जब टाइम था इन्होंने फ़ोटो दिखाए अपने, बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर से लेके बच्चन साहब तक शूट किया हुआ है। हम थोड़े डर गए कि मतलब हम तो ऑडियंस है ना उनके सामने, तो बट आज इन्होंने मतलब हमको ऐसा मतलब हॉलीवुड वाला फील करवाया है, बहुत अच्छा लगा। हाँ। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि हर्ष बड़ा हैंडसम लग रहा था, कम लगते हैं ना as usual, as usual. हाँ जी as usual. ओ नहीं नहीं हर्ष को मतलब हम दोनों का लुक इतना अलग कर दिया ना, चेंज ही कर दिया बिल्कुल, हमको ऐसा दिखाया गया कि ऑस्कर लेने जा रहे हैं हम। हाँ। जो कभी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मेरे को तो पता भी नहीं था। अच्छा। मेरे कपड़े तैयारियां सब भारती ने की है, बिकॉज मैं इन सब मामलों में बड़ा कच्चा हूं। कभी एक वाइट टी शर्ट और वाइट शर्ट लेके नहीं आया घर से, नहीं लेके आनी पड़ी। लेकिन क्या हो गया भारती, क्या हो गया? तो मैं कितने दिन से बोल रही हूँ कि हर्ष कपड़े रख ले फोटोशूट के लिए, थोड़ा अलग अलग। हाँ हाँ बहुत है, घर से ही निकल आएंगे। फिर जब घर से निकले तो कुछ भी नहीं निकला। कहा डेट तो पहले पता लगने, तो कौन सी है हमको टाइम, ये डेट दे ही नहीं रहे, दे रहे। मेरा शायद विचार बदल रहा है इसलिए। जल्दी बोलो वरना आप दादा फ्री हो ना। डेट है वैसे मतलब वैसे ही नजदीक आ रही, क्योंकि हमने सोचा कि दिसंबर में हमने शादी कर लेनी है, 10 दिसंबर से पहले पहले मतलब ये मन्नत है हमारी, है ना। हाँ। बोझ ले आएंगे अपने घर, बाकी बड़ा डर लग रहा है। हाँ आज मुझे उठा भी रहे थे। शॉपिंग शुरू हो गई है? नहीं, बस जैसे ही मीडिया वाले पैसे इकट्ठे करके दे दे हम शॉपिंग शुरू कर देंगे। सारे न्यूज चैनल ने कहा है कि भारती हम सब मिल के 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 1-1.5 करोड़ तो ऊपर हो ही जाएगा, फिर अच्छी जगह शादी करेंगे, देंगे ना सब। बोलने देती है यही तो लिख के देता है, बहुत बोलने देती है ये, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मैं चुप रहूँ। सिंघानी ऐसा वाली फीलिंग है, वो होते ना क्या कम बोलते हैं। ठीक है ठीक है, वैसे सब लोग बोलते हैं कि हर्ष बहुत शाय है, कम बोलते हैं। अरे भैया मुझे पूछो कितना बोलता है ये। हाँ मुझे लगा कितना बेशरम है ये। बोलते एक हमने से वाइट थोड़े कूल में बेड वाली फीलिंग दिखा रहे थे, ये हमारी शादी के बाद वाली पहले ही दिखा रहे थे, पिल्लो फाइट हो रही है। ये सब ना फिल्मी और फोटो वाली चीज़ें होती, पिल्लो फाइट में आज घर पे तकिया फाड़ो तो मम्मी कैसे जूता लेके पीछे पड़ जाए, कितनी मुश्किल से भरवाया था तकिया फाड़ दिया। इन्होंने जो तकिया फड़वाए हैं भाई, गले तक कॉटन गया है। ये देखो अभी सॉरी, देखो गोले निकल रहे हैं हमारे। लव जी आपने हमारे साथ क्यों किया ऐसा? आइडिया किसकी थी पिलो फाइट वाली, किसने बनाया था आइडिया? इनकी आइडिया मेरी थी, लेकिन वो पंख निकलते यार, ये पंख के भी पंख इन्होंने छोटे छोटे कुछ रखे हुए थे। लेकिन थैंक यू सो मच लव जी, इतना अच्छा इन्होंने फोटो शूट किया, मुझे वाकई मतलब करीना कटरीना ऐश्वर्या वाली फीलिंग आई, मेरे बाल उड़ाए, ड्रेस उड़ाई। मेरी करीना कटरीना है भारती, करीना और कटरीना दोनों है। देख लो ये कौन कहता है, बोलता नहीं क्या भाई, आप शादी करेंगे मुझसे? अच्छा कहेंगे भारती इसको छोड़ो मुझसे करो, बहुत ज्यादा बहुत, हम तो कुचल देंगे सबको, बहुत रिच वाली फीलिंग आ रही है ना, मतलब नेकलेस वेकलेस बाल उड़ रहे हैं, टोंग ओके, इसके सूट वूट कभी नहीं पहने थे, पहना दिए हम, है ना। पंजाब और गुजरात से आए थे, ये धोती में आए थे और मैं साड़ी में, और हमारे यहाँ तो इसी चक्कर में शादी कर लेते कि सूट पहनने मिलेगा। ओके वैसे पार्टी हर दुल्हन काफी खूबसूरत लगना चाहती है अपने शादी वाले दिन, वो कितनी भी फिट हो थोड़ी सी टोन होने की कोशिश करती है, क्या भारती की भी ऐसे कुछ अरमान है, डाइट वाइट कुछ चल रही है? इनके बड़े मेरे नहीं है। हाँ हो किए हैं, नहीं हो गया भाई। एक्चुअली एक बहुत अच्छी आदत हर्ष ने मुझे डाल दी है, हर्ष ने बोला तू जिम मत जा, तू जैसी है वैसी ठीक है, तो अच्छा लगता है कि जब होने वाला पति ऐसे बोलता है, वरना अक्सर मोटी बीवियाँ होती है सब पतली लड़कियों को देखते हैं। बट हर्ष ने एक चीज़ बोली कि तू कितना मर्जी खा जितना मर्जी खा, लेकिन ग्रीन टी जरूर पी, तो मैं कुछ भी खाती हूँ ब्रेकफास्ट लंच या डिनर तो मैं ग्रीन टी ज़रूर पीती हूँ, तो ग्रीन टी की वजह से मेरा काफ़ी वेट कम हुआ है, और टेंशन की वजह से, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं, याद दिलाना पड़ता भाई दिसंबर में शादी करनी, हाँ कर लेंगे, मतलब अजीब से क्यों हर्ष ऐसा। मैं एक्चुअली मैं अभी शादी के बाद ना हम जाने वाले 1-1.5 महीने के लिए बाहर,
तो उससे पहले भाई ये रखना है ये चीज, एक डेढ़ महीने के लिए जाने वाले, जाने अगर वाले, ये बंदा अपनी बात से पलटा ना केस कर दूंगी तेरे पे, अपने पति पे बीवी केस करेगी कि हनीमून पे नहीं लेके गया। तो एक डेढ़ महीने के लिए मेरा प्लान, चुप कर जा सुन ले पूरी बात, मेरा प्लान है, मेरा प्लान है कि एक डेढ़ महीने के लिए हम लोग बाहर जाए, तो इसलिए मैं सब अपना काम पहले से पूरा सब खत्म करके जाना चाहता था। तू शादी में नंगा बैठेगा क्या? कपड़ों के लिए भी नहीं जाता, मैं बोलती हूँ अरे तू क्या बनवा रही है वैसा बनवा देना मेरा। हाँ, कुछ कॉन्ट्रास्ट ही होगा यार। अच्छा मैं साड़ी पहनू, धोती पहनू कि तुम ट्रांसपेरेंट वाला? क्यों नहीं होगा, मुझे सुबह का जो भारती है ना, तो भारती ने बोला मुझे फोटोशॉप करके स्लिम दिखाना, मैं बोला यार ये तो आपकी यूएसपी है, एंड आई थिंक हर्ष और मैंने दोनों ने बोला कि यार ये तो बिल्कुल भारती जैसी है वैसी ही परफेक्ट है, मतलब मैंने इतने एक्टर्स के साथ काम किया और मैंने हमेशा फोटोशॉप किया है, आज मैं खुश हूँ कि मुझे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ब्रेकिंग न्यूज कर दो ना, ब्रेकिंग न्यूज, मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ मैंने इतने एक्टर्स के साथ जब शूट किया है, किसी के मैंने आर्म पतले किया है, किसी के मैंने थाइस पतले किए, मैंने बोला भाई इस शूट में नो फोटोशॉप, सो आई थिंक मेरी टीम बहुत खुश है कि अगर मोटा करना पड़ा तो मुझे करेंगे। नहीं बोलता लाइक मेड फॉर ईच अदर, जो केमिस्ट्री इनकी है ना, कि मतलब इट्स टू डाई फॉर, मतलब और पत्थरों की जोड़ी कार्टून भी आता ना। हाँ जी, सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल किया जा रहा है, क्या चीज भाई इसको? हाँ, अभी का अभी रिसेंटली देखिए कितना उचित मानती है आप, देखा जाता है इस बात को, सरस को ट्रोल करते कभी किसी पतला होने के लिए, किसी को मोटा, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे लोग, मुझे खुद समझ नहीं आती, क्योंकि मैं बहुत ब्लेस्ड अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मैं पहली टीवी सेलिब्रिटी ऐसी हूँ कि मैं कुछ भी खाती पीती हूँ, मेरे साथ वालियाँ सूप पी रही होती हैं, सब्बे मंगा रही होती हैं, उनके सामने मैं दाल मखनियाँ पराठे खा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये अपनी अपनी सोच है यार, सबको अच्छे लगना है, जिस जैसे भी होना हो जाओ, हमको क्या, हम हमारा पति को तो हम मोटे ही पसंद है ना। आज आज हमने शूट में भी वही किया, आज हमने शूट में ये किया कि भाई ये बर्गर खा रही है और वो एप्पल खा रहे हैं, जैसे लोग बॉयफ्रेंड फूल देते थे, लड़की ऐसे करती है बर्गर दे रहा है मैं पागल हो रही हूँ उसमें, तो ऐसा वाला मस्ती वाला है, मैंने इनको बोला प्रपोज करो, तो इन्होंने बोला मैं प्रपोज करता हूँ रिंग के साथ ही बर्गर के साथ, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, बर्गर ज्यादा अभी है, खा भी गई नहीं, मेरे नवरात्रे के फास्ट चल रहे हैं। Thank you.